नमस्कार, स्वागत है आपका जन संदेश टाइम्स में। मैं हूं महक। कानपुर के व्यापारी की गोरखपुर में हुई हत्या और उसके साथ प्रदेश में हुई कई वारदातों का हवाला देते हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गांधी जयंती के दिन कैंडल मार्च निकालकर जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। समाजवादी पार्टी के नेता अभिनेता पांडे ने रायबरेली के शहीद चौक पर पहुंचकर कैंडल मार्च निकालकर और मनीष हत्याकांड की आलोचना भी की। इसके लिए उन्होंने प्रदेश सरकार को पुलिस द्वारा अत्यधिक छूट देने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। डॉक्टर अमिताभ पांडे पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोज कुमार पांडे के भाई हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि प्रदेश में जंगल राज हावी है, गुंडों और माफियों का ही हर तरफ बोलबाला है और दुख इस बात का है कि इन सभी अराजकता पर भाजपा शांत है। लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष विनोद सिंह यादव ने कानपुर में हुई सभासद की हत्या और गोरखपुर में हुई मनीष की हत्या को लेकर आक्रोश भी जताया। विनोद सिंह यादव ने कहा है कि पुलिस पूरे प्रदेश में तांडव कर रही है और सरकार आंख मूंद कर बैठी है। उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जनता का विश्वास अब भाजपा से उठ चुका है। इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश में बनने जा रही है क्योंकि जनता का विश्वास अखिलेश यादव है। जिला अध्यक्ष विनोद सिंह यादव, आज हम दो पीड़ित परिवारों के शोक संवेदना में हम लोग यहाँ समाजवादी पार्टी के साथियों के साथ अमिताभ पांडे जी, वसीम जी, अवसाद जी और सभी लोहिया वाहिनी के यूथ के सारे पंथज रायबली के और प्रदेश में जिस तरह गोरखपुर में मनीष गुप्ता की पुलिस ने मार मार करके उन मार दिया है, उस परिवार के लिए और आज कल जो कानपुर देहात में हर्ष यादव को दिन दिहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई, जो हमारा साथी था, यूथ संगठन युगल सभा का जिला उपाध्यक्ष कानपुर देहात का रहने वाला था, वो गरीब परिवार से था, उसको जिस तरह गोली मारी गई। आज की ये बर्बर सरकार, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, किसान को मारे दे रही है, नौजवानों को मारे दे रही है और व्यापारियों को मारे दे रही है, ऐसी जुल्मी सरकार को यहाँ की तांडव जो पुलिस कर रही है उत्तर प्रदेश की, ये हम लोगों को समाजवादी पार्टी ही नहीं सारा उत्तर प्रदेश परेशान है। ऐसी सरकार के खिलाफ हम लोग इन परिवारों को शांति न देते हैं और इन परिवारों की लड़ाई के लिए, उचित हक के लिए हम लोग सड़कों पर उतरने का भी काम करेंगे और पूरी समाजवादी पार्टी, पूरी प्रदेश की समाजवादी पार्टी, अगर इन परिवारों को न्याय उचित नहीं मिला तो हम लोग रोड पर जन आंदोलन करने का भी काम करेंगे, जिससे जिससे भारतीय जनता पार्टी अपने अपराध, जिस तरह का अपराध करा रही है, उसको चेताने के लिए हम लोग रोड पर उतरने का काम करेंगे। समाज सेवी इन सभी हत्याओं पर समाजवादी की तरफ से रैली निकाल गई है। अब इस तरह के बढ़ते केसेस पर वर्तमान प्रदेश सरकार क्या कदम उठाती है, ये तो देखने वाली बात होगी। अपने शहर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनसंदेश टाइम्स।